वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाडली बहना योजना को लेकर आज बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब लाडली बहना योजना में इतने वर्ष की बहनें भी होंगी पात्र। जैसा कि आपको पता होगा, लाडली बहना योजना के नियमों में कई बार बदलाव किए जा चुके हैं और अब एक बार फिर लाडली बहना योजना के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, जिससे लाडली बहनों के साथ साथ बहनों की अविवाहित बेटियां भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे हैं और महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए महिलाओं के लिए कई तरह की योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रमुख योजना लाडली बहना योजना है। और अब इस योजना में 21 वर्ष से अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। लाडली बहना योजना के इन नियमों में हो गया बड़ा फेरबदल। लाडली बहना योजना के पहले और दूसरे चरण के नियमों के अनुसार लाडली बहना योजना का लाभ केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्याग महिलाएं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है और जो योजना के सभी नियमों को पूरा करती हैं। लेकिन अब योजना के नियमों में बड़ा फेरबदल हुआ है। योजना के नए नियमों के अनुसार अब लाडली बहना योजना में 21 वर्ष से 60 वर्ष की अविवाहित बहनों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसको ध्यान में रखते हुए योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया और योजना के तीसरे चरण में आवेदन से वंचित बहनों को भी लाडली बहना योजना में आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। लाडली बहना योजना में फिर से आवेदन कब किए जाएंगे? लाडली बहना योजना के लाभ से वंचित या अविवाहित बहनों के मन में एक सवाल बार बार आ रहा होगा, लाडली बहना योजना के तीसरे चरण के आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएगी और कब से हमें भी लाडली बहना योजना का पैसा मिलना शुरू होगा? जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है, जल्द ही आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, परंतु आवेदन तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसका बहनों को भी अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।